हमने एसी जनरेटर किया, एसी जनरेटर के बाद आज हम करेंगे डीसी जनरेटर, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लेना, एनसीईआरटी में नहीं है। तो किसी भी जनरेटर के अंदर एक और टाइप है जिसको मल्टीफेज जनरेटर बोलते हैं। ये मल्टीफेज जनरेटर क्या होता है, डैम पे पानी तो गिर ही रहा है, वो तो गया नदी के अंदर, फिर जब बारिश होगी फिर इकट्ठा होगा, वो तो मतलब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहते हैं उस पानी की। पानी गिरेगा, टरबाइन घूमेगी, कॉइल घूमेगी, तो जब एक कॉइल घूम रही है उसमें करंट पैदा हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें एक और कॉइल उसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं। जब एक घूमेगी तो दूसरे भी घूमेगी, पानी तो गिर ही रहा है, तो एक में अपना करंट पैदा होगा, दूसरे में अपना करंट पैदा होगा, ये तो बढ़िया है। पानी गिर रहा है तो दो दो करंट पैदा करो, एक क्यों करोगे, अच्छा दो क्यों करोगे, एक और कॉइल फिट कर दो बीच में, तीसरी कर दो, तीनों को घुमा दो, तीनों में अपने अपने करंट जनरेट हो जाएंगे, तीनों में अपनी अपनी वोल्टेज जनरेट हो जाएगी, अरे तो मज़ा आ गया। 50 कर लो, 50 करंट पैदा होंगे, 50 करंट तो पैदा करोगे, बाहर खंबे जो लगे हुए हैं ना उसमें कितनी तारे हैं, तीन, फिर कितनी लगाओगे, 50, मतलब आपको तारों का जाल ही दिखेगा 50, इतना भी नहीं, और इतना भी नहीं जनरेट होगा, तो तीन तक रखा जाता है, तभी घरों में 3 फेस मीटर, तीन तारों में करंट आता है, सबको पता है, कोई सिंगल फेस लगाता है, कोई 3 फेस लगाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है एक फेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी चले गई तो दूसरी तो है, क्योंकि तीन अलग अलग करंट पैदा हो रखे हैं, तो एक में फॉल्ट आ सकता है लाइन में, दूसरे में हो सकता है ना हो, तो ये मल्टीफेज जनरेटर है। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर आपके सिलेबस में नहीं है, 2 मिनट बस बताना चाहता हूँ। डीसी जनरेटर में कुछ नहीं करना, डीसी जनरेटर में कुछ नहीं, बस ये डायग्राम देख लो। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते थे, स्लिप, इसमें स्प्लिट रिंग है, टूटे हुए स्प्लिट रिंग। इसमें क्या होता है, फर्क ये है कि इसमें करंट आया, ऐसे चला गया जब ये रोटेट करेगा, जब रोटेशन, एक रोटेशन दूसरी रोटेशन में कन्वर्ट होगी, तो ये रिंग्स आपस में स्वैप हो जाते हैं, R1 R2 की जगह, R2 R1 की जगह, डायग्राम सेम रहता है, तो करंट फिर से इसी तरफ। मेन नोट करने वाली बात है, करंट की डायरेक्शन दोनों केस में एक ही तरफ है, जबकि एसी में एक बार इधर एक बार इधर थी, इसलिए जो डायग्राम बनता है उसका ऐसा बनता है। उसमें ये साइकिल नेगेटिव हो जाता है एसी में, डीसी में पॉजिटिव रहता है। हम क्या करते हैं, मल्टीफेज जनरेटर यूज करते हैं, तो मल्टीफेज में करंट ही करंट पैदा हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि सिर्फ टॉप टॉप का करंट बाहर निकाल लेते हैं, ये देखो रिजल्टेंट, बाकी सब फिल्टर कर देते हैं, तो डीसी बाहर आ जाता है। तो ऐसे एकदम डीसी बाहर नहीं आता, निकालना पड़ता है ऊपर ऊपर में से। ठीक, तो ये पेपर में नहीं आएगा आपके। ट्रांसफॉर्मर हमने कर लिया, और जो नेक्स्ट है वो है डीसी मोटर। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर एक ही बात है, डायग्राम सेम है। डीसी जनरेटर में हम कॉइल को घुमाते थे, डीसी करंट पैदा होता था। इसमें हम बैटरी लगाएंगे और कॉइल घूमेगी, तो जब बैटरी लगाएंगे तो करंट जाएगा, करंट कैरिंग कॉइल्स लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल जनरेट अ टॉर्क, ये घूमेगा, और यही मोटर है आपकी। मेन नोट करने वाली बात इसमें एक ही है, आपने बैटरी वी वोल्ट की लगाई और इंड्यूस डीएमएफ पैदा होगी इसमें, क्योंकि कॉइल अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करना चाहेगी। ई मोटर के अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज को ईएमएफ को नाम दिया जाता है, बैक ईएमएफ। तो नेट वोल्टेज क्या है, वी माइनस ई, तो नेट वोल्टेज वी माइनस ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, तो ये क्या आ गया, करंट आ गया। तो ये डीसी मोटर का करंट है। अब डीसी मोटर की एफिशिएंसी भी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये माइनस कर लेना, करेक्शन है, एफिशिएंसी है बैटरी ने कितनी पावर दी, वी इंटू आई, और मोटर ने खराब कितनी कर दी, पावर लॉस कितना कर दिया, आई स्क्वायर आर। तो इसमें से आई कॉमन आ गया, तो ये टर्म आ गई। अगर आप ऊपर ये चेक करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ई किसके इक्वल आएगा, वी माइनस आई आर। तो आप एक काम करो, यहाँ पर माइनस करने के बाद वी माइनस आई आर की जगह पुट कर दो ई, तो ये आपके पास क्या आ गई, आउटपुट पावर। तो डीसी की एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर है ई इंटू आई, इनपुट पावर है वी इंटू आई, तो एफिशिएंसी क्या होगी, ई डिवाइडेड बाय वी। तो ये इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में क्या करना है, ये कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी मोटर की 50% से ऊपर नहीं हो सकती, इसका प्रूफ है पर आता नहीं है, बस ये पता होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक।